प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाई गई बूथ ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन बैजनाथ के कांग्रेस कार्यालय में पूर्व विधायक किशोरी लाल की अध्यक्षता में हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अल्पसंख्यक अध्यक्ष सदीक खान व बूथ प्रशिक्षण प्रभारी राजेश राजा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बैजनाथ चुनाव क्षेत्र के सभी 105 बूथों से आए बूथ प्रधानों को प्रशिक्षण देकर लोकसभा चुनावों में डट कर जाने के लिए राजेश राजा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि जो जिम्मेवारी उन्हें हाईकमान ने दी है उन नीतियों को लेकर हम पूरे प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। बूथ ट्रेनिंग के माध्यम से उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि हर कार्यकर्ता को अपने अपने बूथ में जो हमारी पूर्व में UPA 1 और UPA 2 वो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार की जो उपलब्धियां रही है उन सब जननीतियों को हमें घर घर कर उन सब जननीतियों को हमें हर घर तक पहुंचाना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने इस देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद करवाया और देश को एक नई दिशा दिखाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा मात्र झूठ व लूटपाट की राजनीति करने में माहिर है। राजेश राजा ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो न्यूनतम आय देने की घोषणा की है जिसमें कि गरीब लोगों को सीधे उनके बैंक खाते में सालाना 72,000 रुपए आएंगे, ये एक ऐतिहासिक फैसला है। कांग्रेस पार्टी जिस भी वायदे को करती है उसे हमेशा पूरा करती आई है। बात हो और क्यों आज नरेंद्र मोदी जी आज हिमाचल प्रदेश में हिंदुस्तान में भेज रहे हैं तो आज हमने ये कहा है कि आज वक्त है बदलाव का। ये वक्त है बदलाव का कि आज जनता को उठना होगा, उठकर ये जो जुमलेबाजी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं जिन्होंने ना बेरोजगारों को रोजगार दिए ना और हिंदुस्तान में जो जनता को ठगा गया है आज जनता अपने आप को असहाय महसूस कर रही है। उसी संदर्भ में आज हमने जो मुद्दे थे उन मुद्दों को उठाया, लोगों को बताया है और इसी संदर्भ में घर घर जाके हमारे बूथ के कार्यकर्ता जाएंगे और कांग्रेस पार्टी का प्रचार करेंगे। और ये जो हमें दिशा निर्देश थे माननीय हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह ठाकुर जी और राठौर जी और हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी CWC के मेंबर सचिन राव जी द्वारा जो कार्यशाला का हमें मौका दिया उसके लिए हम कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करते हैं।